कद्दू लेना है और छील लेना है। कद्दू छील गया है, अब इसको हम रबिंग कर लेंगे इसके ऊपर ऐसे ऐसे, नीचे वो सारे चले जाएंगे। ये सारा हमने कद्दूकस कर लेना है। ये हमने कद्दूकस कर लिया है, अब इसको हम बॉईल करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, पानी इसको हम नरम होने तक, कद्दू को नरम होने तक, हल्का सा नरम जब होने लग जाए तब तक उबालेंगे। जब हमारा हो गया नरम, कद्दू नरम होने लगे ही तो बस उबालेंगे, हल्का सा नरम है तो इसको छान लें। उतार लें इसमें से, ठंडे पानी से धो के इसको निचोड़ के फ्रिज में रख लेंगे। जैसे खाने को अब हम रायता बनाने लगे हैं। ये फ्रिज से निकाला हुआ नहीं है, मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, थोड़ा करिए उसको पहले थोड़ा सा कर लें, मतलब उसको गाढ़ा है। अभी इसमें हम डालेंगे चॉप, मैंने अनियन और ये टमाटोज एंड थोड़ी सी हरी मिर्च है वो चॉप कर ली थी मैंने, इसमें डाल दूँगी। और ये वो जो हमने कद्दू उबाल के रखा था ये इसमें डाल दिया। अब हम इसमें काली मिर्च और डालेंगे हम जीरा, जीरा है कुटा हुआ जीरा। अच्छा और थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें। हम काली मिर्च डालेंगे, काली मिर्च ज़्यादा सही लगती है इसलिए मैं ज़्यादा डालूँगी थोड़ी सी, आपको जितनी अच्छी लगे उतनी डालें। थोड़ा सा जीरा, ये कूटा हुआ जीरा है, हल्का सा नमक। अब इसको मिक्स कर दूँ, ये काली मिर्च अच्छी है। ये आपका रायता तैयार हो जाएगा और खाएंगे, मैदे के लिए बहुत अच्छा है, स्टमक आपका फिट रहेगा नाश्ते में खाएँ तो। ये कुछ इस तरह से बन के दिखेगा और ये आप ब्रेड पे लगा के खा लें, बेशक बेशक रोटी के साथ खाएं।